इंफ्रास्ट्रक्चर पहले ग्राउंड है, मैनेजमेंट भाई रद्दी है भाई, मैनेजमेंट क्राइटेरिया बहुत गंदा है, बहुत गंदा। रोडियन यूनिवर्सिटी आप पहले घुसेंगे धोखा होगा एडमिशन सेल में। ऑनेस्टली बोले तो भाई बहुत ज्यादा बेकार लगा भाई। अच्छा, गजब बेइज्जती है। तो चौधरी साहब की तरफ से सभी को नमस्ते। तो हमारे कॉलेज खुल गए थे कल, कल एक वीडियो शूट कर रहे थे ऑनेस्ट रिव्यू की, पर कल शूट नहीं करा क्योंकि कल बहुत कम ही बच्चे आए थे। आज शूट करने जा रहे हैं, तो अभी मैं क्या करूँगा, जाऊँगा भीतर और लोगों से ऑनेस्ट रिव्यू पूछूँगा, मतलब कुछ सवाल पूछूँगा उनसे कि भाई ऑनेस्ट रिव्यू तो इन चीज़ों के बारे में। तो यूनिवर्सिटी की मेन गेट के बाहर खड़ा हूँ, तो चलिए चलते हैं फिर सीधा ए ब्लॉक से होते हुए कैफेटेरिया सी ब्लॉक तक जाएंगे, तो देखते हैं। चलो भाई, गाइस 5 मिनट हैं क्या आपके पास? 5 मिनट सिर्फ? अरे बस थोड़ा कुछ पूछना है भाई, पहले रफ। अच्छा चलो, सबसे पहला सवाल, गलगोटिया यूनिवर्सिटी कैसी लगी आपको? तो रुको जरा, सबर करो। ग्राउंड है वो सब तो बहुत बढ़िया है, काफी बढ़िया चीज है। टीचर्स भी काफी अच्छे हैं, 75% अच्छे हैं। अच्छा, तो कुछ भाई लोग इधर भी बैठे हैं। अच्छा पहले ये बता दीजिए, आप लोग आप किस ईयर से और यहाँ पे कौन सा कोर्स कर रहे हैं? थर्ड ईयर से यहाँ पे बीटेक कर रहे हैं। अच्छा, तो मेरा पहला सवाल ये है कि आपको गलगोटिया यूनिवर्सिटी सिंपल कैसी लगी? देखो भाई, यहाँ पर तो हमको रह कर भाई ऑनेस्ट रिव्यू चल रहा है, ऑनेस्ट रिव्यू बोले तो भाई बहुत ज्यादा बेकार लगा भाई। अच्छा बेकार मतलब बिल्कुल भाई, आप रेटिंग देंगे तो 7 देंगे रेटिंग, 10 में से 7। गलगोटिया यूनिवर्सिटी कैसा मतलब? सही है, ठीक ठाक है। क्या चलेगा गलगोटिया यूनिवर्सिटी आप पहले घुसेंगे धोखा होगा एडमिशन सेल में। बहुत सुंदर लगेगा आपको, जैसे एडमिशन हो जाएगा फिर सोचो आपकी उल्टी गिनती शुरू। सी ब्लॉक की लिफ्ट फिर आप सी ब्लॉक की लिफ्ट में जाओगे, बत्ती गायब हो जाएगी लिफ्ट में खड़े हो। उसके बाद 3 दिन तक लाइट नहीं आएगी, 3 दिन तक सैटरडे संडे मंडे गायब। फिर आप नेक्स्ट डे आते हो तो देखते पानी भी नहीं है, पानी मंडे कहाँ आता है? ए ब्लॉक। इससे आपको क्या फर्क मिलता है? आप घूम सकते गलगोटिया कैसा है, और सबसे अच्छी स्वाति। स्वाति मैम, स्वाति वर्मा कौन से स्कूल से? वो एसएमएस मतलब फार्मेसी डिपार्टमेंट। आप फार्मेसी डिपार्टमेंट? स्वाति मैम है, कौन से ईयर? तो ये तो ठीक हो गया, पर एसएमएस की फैकल्टी कैसी है? एक बार आपने कहा था टीचर कुछ ही ठीक है, एक बार और एसएमएस की फैकल्टी बहुत हद तक सही है, लाइक जैसे स्वाति मैम हो गई, सोनाली मैम है और मैम ही अच्छी हैं। अशोक सर भी अच्छा है, रजत सर भी अच्छा है, ऋषभ मालविया हां मैडम सबसे बेस्ट, सबसे बेस्ट ऋषभ मालविया। अच्छा तो यहां की फैकल्टीज वगैरह कैसी है, मतलब फैकल्टीज सब बढ़िया है? कॉलेज एग्जाम के लिए सब सही है भाई, फैकल्टी फैसिलिटी है कॉलेज के एग्जाम तक ठीक है भाई, उसके बाद। अच्छा अच्छा, यहां की फैकल्टीज कैसी है? एक पढ़ाई के हिसाब से अच्छी है, अच्छी हां पढ़ाई सही है, जनरली बच्चों को काम खुद पे भी करना होता है। अगर तो हरियाली देखनी है वही बढ़िया है, आप सेगमेंट क्या ढूंढ रहे हो? अच्छा पीछे कुछ बता रहे थे कि फैकल्टीज थोड़ी बोरिंग भी है यहाँ पे, या तो वो अलग बात है ना, उनका इंटरेस्ट क्या है?
इंटरेस्ट ओ गॉड लेकिन मैनेजमेंट क्राइटेरिया बहुत गंदा है बहुत प्रॉपर रिस्पांस नहीं करता टाइम पर चाहे फीस के रिलेटेड हो एग्जाम्स का हो केट का हो यूटी का हो बहुत बहुत लेट रिस्पांस करते हैं आपकी आईडी वगैरह हो जाए तो मेरे को सुनने में आया जब तक थर्ड ईयर में अभी हूँ मेरे को लगा कि मैनेजमेंट तो कैसा मैनेजमेंट कैसा आपके साथ मैनेजमेंट तो भाई रहती है भाई मैनेजमेंट रहती है बिल्कुल मतलब खत्म है अच्छा अच्छा भाई लगा हुआ था हम लोगों ने भाई प्रोटेस्ट किया ठीक है ये नहीं कि नहीं भाई सही कर दे ठीक है सीधा भाई सस्पेंड कर दिया और तो एक महीने के लिए सस्पेंड करा फिर उसके आज जाकर के अटेंडेंस मतलब कि अटेंडेंस तो दे दिया था पूरा अच्छा अच्छा लेकिन बस वही है ना कि एसी के लिए प्रोटेस्ट किया लेकिन एसी लगवाया भी नहीं और तो ऊपर से मतलब कि जितना सही हमारी उल्टी मार ली हां उतना भी खराब कर दिया और तो यहाँ पर देखो पानी वानी का थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता ही है मैनेजमेंट की आ जाती है मैनेजमेंट ही चाहिए अच्छा और फिर यहाँ का मैनेजमेंट मैनेजमेंट में जो स्पेलिंग होती है ना हाँ ऑनेस्ट रिव्यू दूंगा भाई वो मैनेजमेंट वालों से पूछ लो उन्हें पता ही नहीं पता होगी अरे नहीं मैनेजमेंट बढ़िया है ठीक है कॉलेज क्या है ना कि अभी बच्चा है ना तो बच्चा है तो मैनेजमेंट भी बच्चा है तो थोड़ा टाइम लगेगा इन लोगों को ग्रो होने में और कुछ नहीं समय पे ही साला टाइम टेबल चेंज है नहीं ये कॉलेज है ना बड़ा धीरे धीरे ग्रो होता है 18 साल में जाके वो हो गया अरे जो भी है ठीक ठाक है ओके ओके अब आईटी क्लियर नहीं करोगे तो यही मिलेगा ना और क्या मिल सकता है तुम्हें कलकत्ता यूनिवर्सिटी की सबसे अच्छी बात क्या लगी आपको जियो यार देखने में सही है चार चार ब्लॉक चार कमरे देखो सही है चार कमरे देखो भाई यहां पर अगर तुम आगे तो ऐसा लगेगा भाई चारों तरफ बस कोरा ही कोरा है एक बताओ जियो की सबसे अच्छी चीज क्या लगी मतलब कोई चीज अच्छी जियो सबसे अच्छी चीज क्या लगी और स्पोर्ट्स वगैरह कुछ पता है ना अभी कल स्पोर्ट्स ट्रायल है अच्छा अच्छा और आके मतलब स्टूडेंट्स के बारे में क्या कहना चाहोगे कैसे स्टूडेंट हैं आके मतलब स्टडी करने वाले हैं या फिर तफरी करना है जो बैच है ना टाइमिंग फिक्स एकदम 12:30 किसी और बेस से इंटरेक्शन होता नहीं है इवन अपनी क्लास में इंटरेक्शन नहीं हो पाता सिर्फ अपने बेस से ही हो पाता है हम जिस में लैब चलती है इतना लेक्चर देने के बाद अभी देख रहे हैं एसएमएस डिपार्टमेंट का काम करता मुझे पता है सब भाई एसएमएस ठीक है सब टाइम के लड़ने पड़े हुए हैं भरे पड़े हैं कुछ ऐसे ही पड़े हुए हैं अरे करते यार हो जाता तो मजा आता छोटी सी बात ये है कि गलगोटिया जाके कुछ कुछ मौके मिले अच्छा लगा मास्क हटा के अरे कोई बात नहीं लगाओ मतलब मास्क लगा है प्रोटोकॉल फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है हाँ गलगोटिया में इतना अच्छा कुछ ऐसी दीवारें हैं पता चला एक भाई के ब्लॉक से यहाँ पे कुछ दीवारें हैं जिसे एंटर करते ही ना अंदर की सारी जो है जितने भी जितना भी कोविड है सब खत्म हो जाता है कोविड है सारी चली जाती है वो सी ब्लॉक में खास कर वो चीज लगवाई गई एंटी ब्लॉगिंग सिस्टम तो वी डोंट नीड वैक्सीनेशन यहां पे हां तो आगे है दो वैसे भी उसका कोई फर्क नहीं है अच्छा आप एक चीज और बता दीजिए आपका ईयर कौन सा रहा कौन सा कोर्स हम लास्ट ईयर में इसीलिए तो चले हैं लास्ट ईयर में अभी आज तो अगर रिव्यू अच्छा लगा हो तो लाइक करना शेयर करना सब्सक्राइब करना और अगर किसी और कॉलेज का ऐसे ऑनेस्ट रिव्यू करवाना चाहते हो तो गाइस कमेंट में बता देना मैं कुछ ना कुछ इंतजाम कर ही लूँगा या फिर आप हेल्प कर देना थोड़ी सी वहाँ पे जाने के लिए थैंक यू गाइस मिलते हैं अगले ऑनेस्ट रिव्यू वीडियो में